नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग चिर परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूं। तो आज इसी संदर्भ में इसी कड़ी को जारी रखते हुए एक और शानदार और बहु उपयोगी मेडिसिन चिरायता, हाँ जी जेंटियाना चिरायता इसका बॉटनिकल नेम होता है, इस चिरायता होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको डिटेल से जानकारी देने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप न करें। आपको अगर पसंद आता है तभी लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि होम्योपैथिक वाइंस एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको पूरी विस्तार से जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है मेरे द्वारा। सब्सक्राइब करने के बाद आप जो पूरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट प्लेलिस्ट उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस बने हुए हैं डिजीज एंड मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चिरायता होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसे हम लोग कहते हैं जेंटियाना चिरायता, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सामान्य तौर पर ये एक इंडियन स्पीसीज का प्लांट हर्ब है। भारत में, भूटान में, नेपाल में और कश्मीर जैसे जो एरियाज होते हैं, हिमालयन रीजन जो होते हैं, वहां पर ये आपको कल्टीवेट होता हुआ दिख जाएगा। ये कल्टीवेट होता है 10,000 मीटर जो ऊंचा सी लेवल से ऊंचाई पर ये आपको पौधा उगता हुआ दिखाई देगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको चिरायता अलाइड होम्योपैथिक सिस्टम के अलावा अलाइड पैथीज में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये इजीली आपको थ्रू आउट द इंडिया देखने को मिल जाएगा। जेंटियाना चिरायता है चिरायता का पौधा। इसकी खास बात निहित होती है इसके फूलों के अंदर, इस पौधे के जो फूल होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी रखते हैं, उसी की ही होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा। इसके फूलों के जो सुगंध होती है बड़ी एरोमेटिक तरीके से फूल होते हैं। मदर टिंचर प्रिपरेशन किया जाता है लोअर पोटेंसी में, 1x 2x और 3x और मदर टिंचर प्रिपरेशन किया जाता है, क्योंकि वो लोअर पोटेंसी बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाती है किसी भी डिजीज कंडीशन या सिम्टम को सब्साइड करने के अंदर। ये प्रूव्ड मेडिसिन है, डॉक्टर काली कुमार भट्टाचार्य जो है उन्होंने इसे प्रूव किया था। पूरे तौर पर ये एक इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये इसके बारे में जानकारी, इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। चिरायता जो है फीवर किलर मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। किसी भी तरह का बुखार हो, चाहे वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इवन किसी भी तरह का बुखार हो, उसको उतारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, स्पेशली मलेरिया का जो बुखार होता है वहां पर सटीक एक्शन करती है चिरायता का जो मदर टिंचर होता है। 10 से 15 बूंद हम सुबह शाम लेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। मलेरिया का बुखार वो होता है जहां पर पेशेंट को कभी सर्दी, कभी गर्मी, सिर पर कभी पसीना आने लगेगा, नौजिया, वॉमिटिंग, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कब कभी छूटने लगेगी पेशेंट को। 3 घंटे पेशेंट बिल्कुल गर्म रहेगा तो अगले 3 घंटे बिल्कुल ठंडा रहेगा, उल्टियां होंगी, इनडाइजेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा, लूज मोशन होंगे पेशेंट को, अपच होगा, भूख नहीं लगेगी, जो जीभ है वो थिकली कोटेड येलोइश रहेगी। इस तरह के बुखार के अंदर मलेरिया में आपको चिरायता का बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करूंगा मैं एनलार्ज लिवर और स्प्लीन जैसी कंडीशन में, तिल्ली या लिवर जो होता है एनलार्ज हो जाता है उसके कारण लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्पेप्सिया, हाइपर एसिडिटी जैसी चीजें पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती हैं, खाना पचता नहीं है, डकारें आने लगती हैं, जैसे कि मैंने बताया जीभ बिल्कुल सफेद थिकली व्हाइट कोटेड हो जाती है, पेट में राइट साइड में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, उल्टियों जैसा जीभ करता है, उल्टी आती भी है, बीलियस वॉमिटिंग आती है, कभी लूज मोशन, कभी हार्ट कॉन्स्टिपेशन टाइप चीजें हो जाती हैं। तो वहां पर हम लोग चिरायता को भूले नहीं, स्प्लीनोमेगाली के अंदर तिल्ली जब बढ़ जाती है पेशेंट की, या मलेरियल फीवर के अंदर भी स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, तो वहां पर भी चिरायता का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की एब्डोमेन से रिलेटेड या कह लीजिए डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फीवर, स्पेशली मलेरियल फीवर के अंदर की बात करें तो वहां पर चिरायता को हम लोग बोलेंगे नहीं। मैंने बताया मदर टिंचर आप लोग 10 से 15 को सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम लेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा।
एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी भी होती है, छोटे बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, वहां पर भी एक्सपेल आउट करने के लिए वर्म्स को, कीड़ों को, पेट के कीड़ों को हटाने के लिए एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी रखता है चिरायता, तो वहां पर भी हम लोग इसे उपयोग में ले सकते हैं। तो ये हुई शॉर्ट एंड स्वीट होम्योपैथिक मेडिसिन चिरायता के बारे में जानकारी। इसके बारे में, इसके अलावा और ज्यादा जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर ईमेल आईडी और अदर कंसल्टेशन लिंक मौजूद है। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं जल्दी आप लोगों से नया वीडियो लेकर मिलूंगा होम्योपैथिक वाइंस पर। देखते रहिएगा होम्योपैथिक वाइंस को और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों